वेलकम टू वेकअप टू मेकअप माई चैनल। आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो ऐसे फाउंडेशन जो मैं अपने स्किन पे यूज़ करने वाली हूँ। सो ये फाउंडेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले दिस इज पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी विच इज़ बेबी प्लस और SPF 30 विथ PA++। साथ में दूसरा है दिस इज़ अ मेबलिन फिट मी विच इज़ वेरी गुड और काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इन दोनों की। सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि दोनों में से कौन सा बेटर है। सो दिस इज़ 128 शेड एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बोथ क्योंकि ये काफ़ी छोटा है और ये काफ़ी बड़ा है। और दोनों का अगर मैं प्राइस की बात करूँ सो दिस इज़ 78 रुपीज़ का। दिस इज़ ट्यूब एंड ये कुछ ऐसे बॉटल में आते हैं। दिस इज़ ग्लास बॉटल एंड इसका प्राइस मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ ऑफ रुपीज़ इज़ दैट प्राइस। आई एम सॉरी आई एम नॉट गेटिंग द प्राइज ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके इग्नोर इट। मे बी इट्स ऑफ ₹499 और समथिंग और ₹475 समथिंग क्योंकि आई गॉट फ्रॉम अ मार्केट ओनली एंड आई गॉट नो डिस्काउंट ऑन दिस। क्योंकि अगर आप इसे ऑनलाइन मंगाते हो तो आप इसे काफ़ी ज़्यादा बिग डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। सो ओके गाइज आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ऑन माई फेस। सो मैं आपको पहले बता देती हूँ आई एम गोइंग टू यूज़ ऑन लेफ्ट इज पॉन्ड्स एंड ऑन राइट आई एम गोइंग टू यूज़ इज फिट मी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट अ सो मेनी सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो यूज़ दिस और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फाउंडेशन लगाने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आपने अपने स्किन पर कोई मॉइस्चराइजर लगाया या प्राइमर ज़रूर यूज़ किया है क्योंकि वो ज़रूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट दिस पॉन्ड्स बेबी। Okay, I'm now going to take like this. Okay, it's enough maybe. Okay, I just like love the color of this foundation. Because काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ये हर शेड के लिए परफेक्ट हो जाता है। आई डोंट नो वाई क्योंकि कुछ फाउंडेशंस होते हैं जो बिल्कुल शेड मैचिंग होने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको कभी सपोज़ आपको काफ़ी जल्दी है जल्दी आपको कंप्लीट करना है अपना मेकअप या आपको कुछ भी नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ अपने फुल फेस को कवर अप करना है सो आप ये पॉन्ड्स का ज़रूर यूज़ करिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए चलता भी है। सो यू कैन सी दिस आई थिंक आई मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया और ये अब फुल कम्प्लीट हो चुका है ऑलरेडी। ओके You can see this. Always make sure कि आप अपने ब्रश को लूज एकदम हल्के हाथों से यूज़ करें। और दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सपोज इफ़ यू हैव अ फेशियल हेयर ऑन योर फेस सो आप फेशियल हेयर जिस तरह से जिस एरिया में उस जिस तरफ से है उसी तरफ अपने ब्रश को यूज़ करिए ताकि आपका फाउंडेशन एक तरह से चौकी ना लगे बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लोग कर देते हैं कि अपने ब्रश को सीधे फाउंडेशन में लगा के और उसको लाइक दिस ऐसे कर देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है। नाउ यू कैन सी फुल कवर हो चुका है मेरा फेस एंड व्हाट आई हैव टू डू आई डोंट नो व्हाट इज हैव टू डू फॉर दिस एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस मेबलिन। यू कैन सी दिस मेबलिन। मुझे मेबलिन का एक चीज़ बिल्कुल नहीं समझ में आता है इसके साथ कुछ तो देना चाहिए लाइक स्पून। ओके दिस इज इनफ फॉर मी आई टेक दिस मेबलिन। पॉन्ड्स थोड़ा सा चौकी के आई विल सी दिस। पॉन्ड्स क्रीम थोड़ा सा डार्क होता है बट मेबलिन थोड़ा लिक्विड में ज़्यादा तो ये आराम से ब्लॉग हो जाएगा। ओके Can see
आई थिंक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर लुकिंग लाइक द सेम थिंग, बट आई फील लाइक ये थोड़ा सा पॉटरी दिख रहा है और ये थोड़ा सा शाइनी में भी. ओके सो गाइस यू कैन सी अपना फेस आराम से देख सकते हो. यू कैन सी दिस एंड दिस. आई फील लाइक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट यस ये थोड़ा सा लाइक एक सॉफ्ट कवर दे रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड कवर दे रहा है. सो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं आपके लिए, बट यस यू हैव टू यूज़, अगर आपको यूज़ करना है फॉर एवरी डे तो आप पॉन्ड्स यूज़ कर सकते हो, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ फंक्शन पार्टी सो मेनी थिंग्स तो आप मेबेलिन यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसका कवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और दोनों काफ़ी आराम से ही फुल फेस पे अप्लाई हो गया है. सो यू कैन सी एंड यू कैन आप खुद समझ सकते हैं कि आपके दोनों दोनों में से आपके लिए कौन सा अच्छा है. सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें. मैं फिर से आऊँगी आपके लिए नई वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.